मेरा जो किरदार है वो किस तरह मैडम कैट हो जाइए, और मैं किरदार में बेसिकली चैलेंजेस खोज रहा हूँ, क्योंकि वही जो स्टीरियोटाइप्ड जो कैरेक्टर्स हैं वो शायद अब मुझे उतना आकर्षित नहीं करते, उतना अट्रैक्ट नहीं करते। तो इसमें देखा कि ये वाकई एक मैच्योर लव स्टोरी है, जिसमें एक आदमी अपनी बीवी को पहले ही हो चुका है, किस परिस्थिति में है, कैसे है, क्या है, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन इस किरदार की जो टोटल जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को मैंने एक्सेप्ट किया। एक तरह का चैलेंज था, एंड मैंने जिया से कहा कि मैं कर रहा हूँ। नहीं, मच्योर लव स्टोरी जाहिर सी बात है कि मच्योर लव स्टोरी है, लेकिन मच्योर लव स्टोरी में भी लव है। लव से आप किसी भी उम्र के इसको आप रिलेट कर सकते हैं, वो लव चाहे वो टीनेज लव हो, क्योंकि लव का जो रिफ्लेक्शन होता है वो टीनेज लव में भी और मच्योर लव में भी, बहुत सारी चीज़ें एक ही होती हैं, भले ही उसका जो उसकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लव का एलिमेंट कॉमन होता है। इस फिल्म में जितने भी गाने हैं सबका एक बहुत ही अलग मूड है, और जब आप इन गानों को सुनेंगे तो आपको एक अलग फीलिंग होगी, जो कि आजकल बहुत सारे गाने आ रहे हैं जो 80s 90s के जो रीमेक बन रहे हैं, तो हम लोगों ने ट्राई किया है कुछ ओरिजिनल क्रिएट करने की। लेट्स सी, अगर सबको पसंद आता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अलग फीलिंग लाने के लिए क्या करना पड़ता है बेसिकली? अलग फीलिंग लाने के लिए ट्राई बस ये करना पड़ता है कि हम कितनी अलग तरीके से कोशिश कर सके गाने की, म्यूजिक बनाने की। मेरा रोल इसमें सुनीता का है, आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग जाएँ और ये फिल्म देखें ऑन 24th ऑफ नवंबर। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड यस एंजॉय। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि नरेन अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म में काम किया है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म का जो विषय है, ये विषय पे आपने फिल्म प्रोड्यूस किया, कितना बड़ा चैलेंज था? देखो भैया, विषय ऐसा है कि जो हमारे दिल में है, जो हमारी भावनाएं हैं, हर व्यक्ति की भावनाएं कुछ ना कुछ होती हैं, ठीक है, कहीं से चलती हैं, कहीं जाती हैं, कहीं ख़त्म होती हैं, कोई ख़राब हो जाता है, कोई अच्छा हो जाता है, तो दिस इज़ ऑल ह्यूमन रिलेशंस, सो आई कैनॉट डिस्क्लोज मैनी थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी, वो मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, बट when you will see the movie, yes, you will relate it to yourself. It has different shades of life, emotions. एक ऐसी लड़की की कहानी है जो काफ़ी फोकस्ड है अपने लाइफ में क्या चाहती है, और उसके लाइफ में ऐसे सारे इंसिडेंसेस होते हैं जो उनको मतलब एक बदलाव की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। तो इट वॉज़ क्वाइट एज यू सेड कि इट्स अ मैच्योर लव स्टोरी, तो एक 20+ लड़की 26-27 तक ट्रैवल करती है इस फिल्म में, तो एक मेच्योरिटी लेवल भी उसमें उसके साथ ट्रैवल होती है। तो एज एन एक्टर वो चैलेंज था मेरे लिए, और एक ऐसा दिखाया गया है, अगर आपने ट्रेलर में देखा है कि इनिशियली शी इज़ लाइक लुकिंग वेरी नेव, एक मतलब शायद देहाती लड़की है जो शहर में आई है, वो भी एक शेड्स था कि गाँव से आई है शहर में, उसके बाद शहर के रंग ढंग में कैसे रंग जाती है, उसके बाद पता चलता है कि उसकी कहानी कुछ और ही है। तो इट वॉज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहती, मैं चाहती कि आप लोग देखिए फिल्म को, और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, प्रोमो को देख के एक झलक ऐसी भी लग रही थी कि ये प्यार के साथ धोखे का एक मिश्रण है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो रिलीज़ के बाद ही पता चल ही जाएगी आप लोगों को, मैं क्या बताऊँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट है, जैसे आपने आपको लगा होगा कि कुछ तो है धोखा वोखा, मैं बोलूँगी ट्विस्ट है, वही मेन ट्विस्ट है फिल्म के। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए, आप इस फिल्म में लीड रोल कर रही हैं, आपका किरदार काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और काफ़ी मैच्योर्ड है, yes। आज की जो युवा पीढ़ी है प्यार का मायना शायद नहीं समझ पाती और उसे काफ़ी अलग तरीके से देखती है, तो आप इस मैच्योरिटी वाले रोल के साथ क्या सुझाव देना चाहेंगी जो युवा पीढ़ी है बड़ी छोटी बात पर झगड़े कर लेती है? जब प्यार की बात आती है वो डिपेंड करता है, अगर ट्रू लव अगर होगा तो उसमें मेच्योरिटी कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप जितना डेवलप होगी, ये मेरी समझ के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं रिलेशनशिप को देखती हूँ, प्यार को देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ ये एक जर्नी है, और आते आते समझदारी मेच्योरिटी आती है। तो आई एम श्योर अभी हम जब कॉलेज के ज़माने में थे उस टाइम का हमारे क्रश या लव और अभी के लव में ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा। अच्छा, आपको सच्चा प्यार हुआ है? ऑब्वियसली मुझे सच्चा प्यार हुआ है बचपन से एक्टिंग के साथ।